हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जबरदस्त होंगे बच्चों, जबरदस्त रहिए बच्चों। कहता है हर एनर्जी चाहिए बच्चों, पढ़ने के लिए भी जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए बच्चों। अब देखिए हम लोग बच्चों डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला यूनिट है, इस पहला यूनिट का जो चैप्टर है बच्चों, पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड बच्चों पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बायोडाइवर्सिटी टर्म आता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों? तो आप कहोगे बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। हमारे अर्थ पे लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बच्चों, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, ये सब बच्चों लाइफ के आप वैरायटीज हैं। अब बच्चों एक टर्म है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों, सिस्टेमेटिक्स क्या है? तो आप कहोगे कि सिस्टेमेटिक्स क्या है, तो सुन लीजिए। जी जी सिम्पसन के अनुसार सिस्टेमेटिक्स साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके बीच के ऑल बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स का। बच्चों मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जी जी सिम्पसन के अनुसार सिस्टेमेटिक्स साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके बीच के ऑल बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स का। ओके बच्चों, अब हम लोग एक टर्म समझते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या होता है बच्चों टैक्सोनॉमी? एकदम सुनिएगा, एकदम बेसिक टर्म है, आपने 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे वो बच्चों साइंस में। टैक्सोनॉमी क्या है बच्चों? कोई पूछेगा आपसे तो आप क्या कहोगे बच्चों? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास क्या बोलोगे बच्चों बताओ? टैक्सोनॉमी डील्स विथ, बोलो, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों। अब बच्चों हम लोग तीनों का मतलब समझते हैं, क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है नोमेनक्लेचर और क्या होता है आइडेंटिफिकेशन बच्चों। तो आइए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन बच्चों? तो क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? तो देखिए क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन बच्चों वह प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन बच्चों वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बच्चों। कहता है देखिए क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब बच्चों टैक्सोनॉमिक, और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन थे बच्चों? कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा बच्चों, ये सब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनियस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं बच्चों? तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इंक्लूड किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। याद रखोगे बच्चों, मैंने कहा कि आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं बच्चों? तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इंक्लूड किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस बच्चों। अब बच्चों हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं इसके। बच्चों एक टर्म है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की।
इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन आइदर एसेंडिंग सीक्वेंस और डिसेंडिंग सीक्वेंस। बच्चों टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का अरेंजमेंट या तो बच्चों एसेंडिंग सीक्वेंस में बच्चों, या बच्चों डिसेंडिंग सीक्वेंस में, यही कहलाता है। बताइए क्या, तो आप बोलोगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। बच्चों आज हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझते हैं। बच्चों बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, बच्चों एक बार समझ लो आपको जिंदगी भर आपको याद रहेगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है। बच्चों क्या होता है बच्चों टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। बच्चों टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बच्चों हम समझते हैं बच्चों क्या होता है। तो आप कहोगे बच्चों कि आपका देखिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बच्चों बात करते हो तो बताओ स्पीसीज, स्पीसीज क्या है बच्चों। अगर स्पीसीज का डिफिनेशन आता है बच्चों तो आपको सारा टेक्सोनॉमी का टेक्निक आ जाएगा। स्पीसीज क्या है बच्चों याद रखना, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, और चार ऑप्शन दे दिया स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों स्पीसीज। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या होता है बच्चों, बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, याद रखो। स्पीसीज क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है बच्चों क्लासिफिकेशन का। बच्चों स्पीसीज है क्या, तो आप कहोगे बच्चों स्पीसीज रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, स्पीसीज रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। बच्चों यहां आप लोग बात को समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ह्यूमन ह्यूमन के साथ बच्चों इंटरब्रीड करेगा, ह्यूमन ह्यूमन के साथ करेगा बच्चों, ह्यूमन दूसरे एनिमल के साथ तो इंटरब्रीड नहीं करेगा बच्चों, ह्यूमन ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करेगा, है ना। फिर सुनो बच्चों, स्पीसीज से बड़ा होता है बच्चों जीनस, स्पीसीज से बड़ा होता है बच्चों जीनस। जीनस क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे जीनस क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, याद रखिए बच्चों। स्पीसीज याद तो आपको जीनस भी याद, जीनस क्या है बच्चों, जीनस है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। आप कहोगे बच्चों अब एक बात और याद रखिएगा, साइंटिस्ट लोग का कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है, देखिए साइंटिस्ट का क्या कहना है कि एक जीनस के सभी स्पीसीज, एक जीनस में जितने भी स्पीसीज आते हैं वो सभी इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से बच्चों। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने जाना कि स्पीसीज जो, स्पीसीज का मतलब आपने समझा, जीनस क्या कहता है बच्चों, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप को बच्चों रिलेटेड बोलना एकदम जरूरी है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप को बच्चों कहते हैं जीनस, क्या कहते हैं बच्चों जीनस। तो आप कहोगे जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ओके। और एक स्पीसीज के कह सकते हो या ऐसे कही, एक जीनस के बच्चों जितने स्पीसीज होते हैं सभी इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे आप बच्चों आप जानते हो बच्चों टाइगर जो है, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पैंथरा टिग्रिस। क्या होता है बच्चों, हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग बच्चों जानेंगे कि आपका जो साइंटिफिक नेम जो है वह कैसे लिखा जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाता है, उसका क्या रोल है बच्चों, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों कहता है जैसे टाइगर का साइंटिफिक नेम है बच्चों पैंथेरा टिग्रिस, और आप लोग पढ़े थे बच्चों कि साइंटिफिक नेम दो कंपोनेंट से बना होता है बच्चों। पहला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है बच्चों जीनस को, दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है बच्चों स्पीसीज को। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं लायन, तो लायन का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पैंथेरा लियो, लायन का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पैंथेरा लियो। अब एक बात आप याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि जो बाघ है ये आप जानते हो पैंथेरा टिग्रिस बच्चों, ये आपका
टाइगर का साइंटिफिक नेम है बच्चों, पैंथरा लियो बच्चों, लायन का साइंटिफिक नेम है बच्चों। अब मैं आपके सामने तीन एनिमल बताता हूँ, मान लीजिए टाइगर लायन एनिमल, टाइगर लायन एनिमल बच्चों। अब आप बताइए बच्चों, जो टाइगर है, टाइगर जो है वो ज़्यादा, टाइगर ज़्यादा सिमिलरिटी, टाइगर जो है वो ज़्यादा सिमिलरिटी कैरेक्टर्स में किसके साथ शो करेगा, लायन के साथ कि डॉग के साथ, बताइए। तो हम कहेंगे नहीं भाई, टाइगर जो है वो ज़्यादा कैरेक्टर को शो कर, ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा कैरेक्टर्स में किसके साथ, तो हम बोलेंगे लायन के साथ बच्चों। तो आप क्यों बोलोगे बच्चों ऐसा, क्योंकि बच्चों कहता है कि टाइगर और लायन दोनों का सेम जीनस है पैंथेरा, और इस जीनस में बच्चों कहता है दे हैव स्पेशली एडेप्टेड लैरिंग्स, दे हैव स्पेशली एडेप्टेड लैरिंग्स विथ लार्जर वोकल फॉल्ट्स एंड दे हैव एबिलिटी टू रोर, है ना। चलिए बच्चों, बच्चों अब देखिए आप लोग, जीनस जो होता है ना, देखिए जीनस के बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरी फैमिली होता है बच्चों। ये वह फैमिली नहीं है बच्चों जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बच्चों। मैं पहली बार बच्चों कैमरा पे फेस करता हूँ, कैमरा पे आप लोग के सामने फेस कर रहा हूँ बच्चों। सही में, सही मायने में कहता हूँ बच्चों, मैं कभी भी है ना स्टेज प्रोग्राम वगैरह में भी पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। मुझे मुझे क्या होता है बच्चों, डर लगता है ना कैमरा वगैरह के आने के सामने भी, लेकिन मैं कहा कि नहीं भाई चलो कोशिश करता हूँ। सभी याद कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, इसी कारण से बच्चों है ना मैं कहा, मैं अपने मन को समझाया कि नहीं मैं भी आपका कैमरा को फेस कर सकता हूँ बच्चों। ध्यान देना, फैमिली, फैमिली क्या है बच्चों, तो मैंने कहा फैमिली कभी आपसे कोई पूछे बच्चों तो आप कहोगे फैमिली रिप्रेजेंट, बोलो फैमिली रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, बोलिए बच्चों क्या होगा। जैसे मैंने कहा जीनस क्या है, तो आपने अभी जवाब दिया जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो बच्चों फैमिली क्या बोलोगे, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, रिलेटेड जेनरा। बच्चों जीनस होता है सिंगुलर, जेनरा होता है बच्चों प्लूरल, जीनस होता है बच्चों सिंगुलर, जेनरा होता है बच्चों प्लूरल। तो बताओ फैमिली क्या है बच्चों, ये है फैमिली रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब बच्चों फैमिली से बड़ा होता है बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर क्या है बच्चों, तो आप कहोगे ऑर्डर रिप्रेजेंट, ऑर्डर रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। बताओ बच्चों ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जिस तरह से आप देखो बच्चों, आपको स्पीशीज का डिफिनेशन आ गया तो आपको जीनस भी आ गया, जीनस क्या है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, आपको बच्चों जीनस आ गया, फैमिली भी देखिए आ गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब बच्चों ऑर्डर जानना है तो क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ऑर्डर जो होता है बच्चों, ऑर्डर्स ऑर्डर, इसके बाद जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है बच्चों वो आपका होता है बच्चों क्लास, क्या होता है बच्चों क्लास, ऑर्डर के बाद बच्चों क्लास, क्लास क्या होता है बच्चों, कभी आपसे पूछे तो बोलोगे क्लास रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड बच्चों बोलिए ऑर्डर्स, कहता बच्चों क्लास क्या है बच्चों, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब बच्चों क्लास के बाद, बच्चों क्लास के बाद आते हैं हम लोग फाइलम और डिवीजन। क्लास से, क्लास जो है बच्चों क्लास के बाद नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है बच्चों फाइलम कहिए, फाइलम यूज, फाइलम जो होता है बच्चों ये आपका प्लांट्स के लिए होता है, और आपका जो कहे सॉरी बच्चों फाइलम्स एनिमल के लिए होता है बच्चों, सॉरी फाइलम टर्म यूज करते हैं एनिमल्स के लिए बच्चों, और डिवीजन टर्म यूज करते हैं बच्चों प्लांट के लिए, डिवीजन यूज करते हैं बच्चों प्लांट के लिए। तो बच्चों फाइलम हो चाहे डिवीजन हो, फाइलम हो चाहे डिवीजन हो, है क्या बच्चों, तो कहोगे यह क्या है तो रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड बोलिए क्या होगा, रिलेटेड क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस। तो फाइलम हो बच्चों या डिवीजन हो वो है क्या, तो रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, फाइलम और डिवीजन जो है बच्चों इससे बड़ा होता है बच्चों किंगडम, इससे बड़ा होता है बच्चों किंगडम,
इससे बड़ा होता है बच्चों किंगडम। तो किंगडम क्या है बच्चों, आप कहोगे किंगडम रिप्रेजेंट, किंगडम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स और रिप्रेजेंट फाइलम्स और डिवीजन्स, रिलेटेड फाइलम्स और डिवीजन्स। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या कहें बच्चों, किंगडम क्या है, तो किंगडम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स और डिवीजन्स। तो देखिए बच्चों कैसे हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, देखिए बच्चों कितना आसान है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। मैंने बच्चों बोला कि भाई इसे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेसीज का अगर डिफिनेशन मालूम है तो आपको बच्चों सबका डिफिनेशन आता है। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, देख लीजिए बच्चों स्पेसीज क्या है। तो कहता स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है बच्चों, और स्पेसीज क्या है, तो यह एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, और उनमें उस ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स को, कॉमन कैरेक्टर्स को बच्चों शेयर करते हैं, और वो आपस में बच्चों इंटरब्रीड करते हैं और अपने ही जैसा बच्चों एक संतान बनाते हैं। जीनस बच्चों मैंने क्या कहा, जीनस क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। बच्चों जीनस से बड़ा बच्चों का क्या है, फैमिली। फैमिली क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब बच्चों ऑर्डर क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। बच्चों क्लास क्या है बच्चों, तो क्लास रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। बच्चों फाइलम और डिविजन्स क्या है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। बच्चों किंगडम क्या है बच्चों, तो किंगडम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स और डिविजन्स। तो बच्चों याद रखिएगा ये बात को, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है बच्चों यह एसेंडिंग सिक्वेंस में है, या बच्चों यह एसेंडिंग सीक्वेंस में है बच्चों, ये बढ़ते हुए क्रम में है बच्चों, ये बढ़ते हुए क्रम में है बच्चों। अगर आप इसी को बच्चों एरो नीचे करते जाएंगे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हो जाएगा डिसेंडिंग सीक्वेंस में बच्चों। ऐसे अगर आप करोगे तो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस में आ जाएगा, और ऐसे लिखे हो बच्चों तो ये हुआ एसेंडिंग सीक्वेंस में। तो आपकी मर्जी है बच्चों, आप दोनों में लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो बताइए आज आपको कैसे, आज आपको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।